हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी एंड आई एम योर फ्रेंड रीमा जैन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ फेस्टिव सीजन के लिए एक और मेकअप ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज मैंने क्रिएट किया है रोज गोल्ड आई मेकअप लुक। एंड आप देख सकते हैं मैंने जो आउटफिट पहना है उसका जो कलर है वो लाइट पिंक कलर की एक साड़ी है एंड उसका एक गोल्डन बॉर्डर है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी पिंक कलर की साड़ी, लहंगे, सूट या फिर कुर्ते के साथ में ये मेकअप लुक को अचीव कर सकते हो। या फिर अगर कोई गोल्डन बॉर्डर की या कॉपर कलर की बॉर्डर की साड़ी पहनी है आपने, तो भी आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये वाला लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। फ्रेंड्स, प्रोडक्ट जो भी यूज़ होगी इस वीडियो में, उस सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मेरे लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए निव्या का लिप बाम लगा रही हूँ। देन मैं यहाँ में यूज़ करूँगी मिस क्लेयर का फुल कवरेज कंसीलर। ये वाला जो कंसीलर है मुझे बहुत पसंद है एंड इससे जो आपका आई मेकअप है वो बहुत ही अच्छे से स्टे करता है एंड आपके जो आई शेडो है बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाते हैं, बिल्कुल भी हार्श नहीं है ये आपकी आईज़ पे। देन मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का कंसीलर। ये वाला कंसीलर बहुत ही अच्छा है एंड ये फुल कवरेज देता है एंड इसको मैं अपने अंडर आई एरियाज पे, नोज के कॉर्नर पे, लिप्स के कॉर्नर पे एंड जहाँ मुझे डार्क स्पॉट है वहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँगी एंड इसको मैं अपने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही आराम से ये ब्लेंड हो जाता है बहुत ही अच्छी तरह से एंड ये फुल कवरेज देता है। एंड अगर आपको बिलमिश वगैरह, पिंपल के दाग या डार्क स्पॉट है तो फिर ये वाला कंसीलर बहुत ही परफेक्ट है उनको हाइड करने के लिए। देन मैं कंसीलर को सेट करने के लिए अपना लॉरियल मैट मैजिक का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये वाला जो कॉम्पैक्ट है बहुत ही अच्छा है एंड ये आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाने में बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। देन मैं वेट एंड वाइल्ड की पैलेट से एक लाइट पिंक शेड लूँगी एंड इसको मैं अपने आईलिड्स पे आउटर वी से इनर कॉर्नर की ओर अप्लाई करूँगी एंड मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। हमें अच्छी तरह से अपने आई शेडो को ब्लेंड करना चाहिए। देन मैं मेरे मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से एक डार्क पिंक शेड ले रही हूँ एंड इसको मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूँगी एंड वहाँ से मैं इसको स्लोली इनर कॉर्नर की ओर लेके जाऊँगी। हमें बिल्कुल प्रेशर नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से हमें हमारे ब्रश को चलाना है एंड आप देख सकते हैं मैं धीरे धीरे इसको अपने इनर कॉर्नर की ओर ले जा रही हूँ। मुझे एक पिंकी लुक चाहिए, पिंक टाइप का मुझे एक लुक चाहिए अपनी आईज पे। देन मैं मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से एक कॉपर शिमरी शेड ले रही हूँ एंड इसको मैं अपने आईलिड्स पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये वाला जो आई मेकअप लुक है आप अपने किसी भी गोल्डन या फिर कॉपर बॉर्डर की साड़ी के साथ में अवेयर कर सकते हो, आप अचीव कर सकते हो। आपको पिंक कलर नहीं, अगर आपका रेड है तो रेड, ब्लू है तो ब्लू, आप कोई भी कलर के आई शेडो अप्लाई करके आप इस लुक को अचीव कर सकते हो। देन मैं रेड कलर को थोड़ा सा स्मच कर दूंगी एंड थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी जिससे कि हमारा जो आई लुक है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सेकेंड आई पे भी मैं इसी तरीके से अप्लाई कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने मेरे फेस को पहले से अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लिया था तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे द वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस ड्यूवी फिनिश प्राइमर एंड ये वाला जो प्राइमर है ये मुझे बहुत पसंद है एंड ये एक इल्यूमिनेटर का भी काम करता है। ये आपके फेस को ग्लोइश शाइनी बनाता है एंड नेचुरल ग्लो देता है आपके फेस को, बहुत ही नेचुरल लगता है स्किन पे एंड बहुत ही लाइट वेट है। देन मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन का फाउंडेशन एंड ये स्टिक फाउंडेशन है। फ्रेंड्स, ये वाला फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले ऑलवेज अपने फेस को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए एंड इसका जो शेड नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इसको मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये वाला जो फाउंडेशन है इसको ब्लेंड करने में थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, बट ये वाला जो फाउंडेशन है काफ़ी अच्छा है एंड अगर आपने अपने फेस को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लिया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो खास करके सबसे अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करना पड़ेगा अपनी स्किन को एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस फाउंडेशन के साथ में।
बहुत ही आराम से आप इसको यूज कर सकते हो। एंड फाउंडेशन को नेक पे अप्लाई करना कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना हमारा फेस का कलर एंड नेक का कलर डिफरेंट लगता है। देन मैं यूज करूंगी यहाँ मैं स्टे क्विकली का आईलाइनर। फ्रेंड्स ये वाला जो आईलाइनर है काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अच्छा है एंड स्मच प्रूफ है, फेड प्रूफ, फेड नहीं होता बिल्कुल भी एंड लंबे समय तक आपके आईज पे रहता है। तो मुझे ये वाला आईलाइनर काफी ज्यादा पसंद है एंड इससे मैं एक विंग लाइनर क्रिएट कर लूंगी। देन मैं यहाँ में द मेबेलिन का कोलोसो का वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा यूज कर रही हूँ। ये वाला मस्कारा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं फॉल्स लेसेस वेयर नहीं करती, तो मुझे ये वाला जो मस्कारा है बहुत ही अच्छा लुक देता है मेरी आईज को। अगर आप फॉल्स लेसेस यूज करते हो तो आप फॉल्स लेसेस यूज कर सकते हो। देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शुगर कॉस्मेटिक की काजल। शुगर कॉस्मेटिक की जो काजल है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है एंड ये बिल्कुल भी फेड नहीं होती, बहुत ही अच्छी तरह से आपकी आईज पे स्टे करती है। देन मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबेलिन का डुओ स्टिक कॉन्ट्रोलिंग के लिए। अगर आपके डबल चिन की या फिर बड़े फेस की प्रॉब्लम है आपको, तो आप कॉन्ट्रोलिंग कर सकते हो, उससे आपका जो फेस है वो स्लिम दिखेगा। एंड अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेप को टोटली स्किप कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। देन मैं मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से एक ब्लशर शेड लूंगी एंड इसको मैं अपने चिक्स पे अप्लाई कर लूंगी। फ्रेंड्स ये वाला जो पैलेट है काफ़ी अच्छा है एंड इसमें हमें हाइलाइटिंग के लिए शेड मिलते हैं, ब्लश के लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है ये पैलेट। एंड इसी पैलेट से मैं एक हाइलाइटिंग शेड लूंगी एंड इसको मैं अपने चिक बोन पे, नोज पे, क्यूपिड पो पे, फोरहेड पे अप्लाई कर लूंगी। देन मैं यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक की लिक्विड लिपस्टिक ले रही हूँ एंड ये एक डार्क शेड है, तो मैं इसको अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूंगी। सो फ्रेंड्स दिस इज माय फाइनल लुक। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वाला लुक पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।